सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14, डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेशनल लैंग्वेज एंड द एंटी हिंदी एजिटेशन। मतलब आप लोगों को पता होगा कि अभी करेंट में हमारे इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज है वो ऑफिशियली क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा था, उस समय जो है क्या कंडीशन थी, क्योंकि पूरे इंडिया में देखो हिंदी नहीं बोला जाता है। अगर आप साउथ की तरफ चले जाओगे तो साउथ में जो है रीजनल लैंग्वेज का जो है ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। वहीं पर अगर आप सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार तरफ जाएंगे तो ये वाले जो रीजन होते हैं वो हिंदी बेल्ट होते हैं। उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो है क्या होता है, वहाँ के लोग अपने रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो किस किस तरीके से उस समय प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के चलते क्या क्या हमें देखने को मिला, ये हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड डिबेट दैट नो लैंग्वेज वुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज। जब हमारे यहाँ स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है क्या हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी, तो उस समय बहुत सारे डिबेट हुआ कि कौन से लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, हिंदी को बनाया जाए, इंग्लिश को बनाया जाए, संस्कृत को बनाया जाए, तमिल को बनाया जाए, पंजाबी को बनाया जाए, कौन से लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस जो है दिया जाए, इस पर बहुत सारा डिबेट हुआ। फिर डिबेट के बाद ये पता मतलब ये कंक्लूजन निकला कि हिंदी वुड बी कंसिडर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। उसके बाद बहुत लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि हिंदी को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, किसका, इंडिया का। बट हिंदी वॉज नीदर स्पोकन नॉर अंडरस्टूड इन द ह्यूज एरिया ऑफ द कंट्री। डिसाइड तो ये हुआ कि हिंदी को जो है हम लोग क्या बनाएंगे, नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, लेकिन हिंदी जो होता है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हिंदी पूरे इंडिया के हर एरिया में जो है नहीं बोला जाता था। मतलब मैक्सिमम एरिया में हिंदी जो है नहीं बोला जाता है, कुछ ही स्टेट से जहां पर हिंदी जो है क्या होता है ज्यादा बोला जाता है, बाकी सब स्टेट्स में अपने रीजनल लैंग्वेज जो है यूज होते हैं। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड टू कंटिन्यू यूजिंग इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया कि सिंस हिंदी को हम लोग नेशनल लैंग्वेज तो बनाएंगे या ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ हिंदी जो होता है वो हर जगह पर जो है स्पीक नहीं किया जाता है, इसीलिए पैरेलली क्या क्या जाएगा, इंग्लिश को जो है 15 साल के लिए जो है क्या किया जाएगा, ऑफिशियल पर्पज के लिए जो है किया जाएगा। मतलब ऑफिशियल जो भी काम होंगे वो इंग्लिश में होंगे, ये स्टार्टिंग के 15 साल तक जो है डिसाइड किया गया था। ठीक है, मतलब 1950 से 1965 तक आप समझ सकते हो कि 15 साल तक जो है डिसाइड किया गया था। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड व्हेन हिंदी वॉज अबाउट टू बी डिक्लेयर द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ द कंट्री। जब 1965, 15 साल कंप्लीट हो गया 1965 में, तो 1965 के बाद जो है क्या किया गया, अब हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की बात की गई। पहले क्या था, हिंदी और इंग्लिश दोनों पैरेलल चलता था, जिसको जो पसंद है वो हिंदी में भी कर सकता है ऑफिशियल काम और इंग्लिश में भी कर सकता है ऑफिशियल काम। लेकिन इंग्लिश को सिर्फ स्टार्टिंग में 15 साल के लिए कहा गया था। तो जैसे ही 15 साल कंप्लीट हुआ 1965 में, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी को बनाया जाए। तो जैसे ही ये न्यूज जो है लोगों तक पहुंचा, लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, स्पेशली साउथ इंडिया के लोगों ने जो है क्या किया, वहां ने जो है प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट वर इन द तमिलनाडु वेयर द डीएमके पार्टी द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। ठीक है, मतलब डीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु की, तमिलनाडु के पार्टी ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया कि हिंदी को जो है आप नेशनल लैंग्वेज मत बनाओ। स्प्रेडहेड द एंटी हिंदी एजुटेशन लॉन्चिंग स्टेट वाइड स्ट्राइक इन द डिमोन्स्ट्रेशन। और वहां पर जो है तमिलनाडु में जो है जैसे ही उनको पता चला कि हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाए जाने की बात हो रही है, वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए और इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ जिसके कारण से 70 से ज्यादा लोग जो है क्या हो गए, क्लासेस में जो है मारे गए। ठीक है, अब देखो जब प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तो आएगी ही। अब पुलिस जो है उनसे हाथ जोड़कर बोलेगी नहीं कि आपको, मतलब हाथ जोड़कर तो पहले बोलती है कि आप लोग वापस चले जाओ, ऐसा प्रोटेस्ट मत करो। जब नहीं मानती है तो फिर वो क्या करते हैं, वायलेंस एक्टिविटीज करते हैं, लाठीचार्ज करना या टीयर गैस फायर करना, इस तरीके के काम करते हैं। तो इसके कारण से उस क्लासेस में जो है तमिलनाडु के उस टाइम के क्लासेस में 70 से ज्यादा लोग जो है क्या हो गए थे, मारे गए थे। द कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू विथ टू कांग्रेस मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट रिजाइनिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब देखो कांग्रेस की उस समय गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के फेवर में थी। तमिलनाडु में इसका प्रोटेस्ट हुआ, तो तमिलनाडु के जितने भी कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, हर स्टेट में कांग्रेस के मेंबर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो तमिलनाडु में जितने भी कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो खुद दो पार्ट में डिवाइड हो गए। आधा लोग बोलते थे कि नहीं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, आधा लोग बोलते थे कि पूरे देश में एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे ट्रेड करना, बिजनेस करना, कल्चर का जो है ट्रांसफॉर्म करना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे चाइना में है, चाइना में जो है वन लैंग्वेज पॉलिसी है, वहां पर आप मैंड्रिन ही बोलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज्यादा बोले जाना वाला लैंग्वेज कौन सा है, मैंड्रिन है चाइना की। ठीक है, तो जिस तरीके से चाइना के लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके कारण से उनको ट्रेड करना आसान हो जाता है, टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं। अब आप सोचो, मान लो आप छत्तीसगढ़ से गए, आपको हिंदी बोलना आता है, आप मान लो चले गए साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो वहां के लोग हिंदी ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, तो जिसके कारण से आपको कई बार हो सकता है प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसा रहा कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आप अरुणाचल प्रदेश कहीं भी चले जाओ, अगर एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ट्रेड करना आसान हो जाएगा, कल्चरल ट्रांसफॉर्म आसान हो जाएगा, टूरिज्म आसान हो जाएगा। तो आधे लोग ये बोलते थे और आधे लोग बोलते थे कि नहीं, हमें हमारा तमिल लैंग्वेज ही अच्छा लगता है, हम जो है क्या करेंगे, दूसरे लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, तो उस समय जो है सेंटर लेवल पर तमिलनाडु से जो है दो लोग जो थे, क्या थे वो, मिनिस्टर में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हो, हम आपके अगेंस्ट हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हम आपके पार्टी से क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री से जो है रिजाइन कर दिया। इन दिस सिचुएशन द प्राइम मिनिस्टर अश्योर्ड द नेशनल दैट हिंदी वुड नॉट बी इम्पोज इन एनी स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। और खासकर प्रेशर में आने के बाद, तमिलनाडु में खासकर जब बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो इस प्रोटेस्ट के प्रेशर में आने के कारण जो है क्या हुआ, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, ये बोला कि हिंदी को जो है इम्पोज नहीं किया जाएगा, जब तक कोई भी स्टेट अपने मर्जी से हाँ नहीं बोलेगा तब तक हिंदी को जो है हम वहां पर इम्पोज नहीं करेंगे। ये जो है गवर्नमेंट को जो है बोलना पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु के लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने ये क्या कर दिया, ये बयान दे दिया, क्या बोल दिया कि हिंदी को हम जबरदस्ती इम्पोज नहीं करेंगे, जब तक कोई स्टेट नहीं चाहेगा तब तक हम अपने तरफ से इम्पोज नहीं करेंगे। However, this assurance did not satisfy the anti-Hindi protest in Tamil Nadu, who voted against the Congress in 1967 general election to defeat the party Risongdili. अब देखो क्या हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि हिंदी को हम लोग बिना किसी स्टेट की परमिशन के अप्लाई नहीं करेंगे, तब भी लोगों का गुस्सा जो है शांत नहीं हुआ, और 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो है तमिलनाडु में हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय चाहती थी कि हिंदी को क्या किया जाए, इम्पोज किया जाए, लेकिन तमिलनाडु के लोग क्या चाहते थे कि तमिलनाडु के लोग चाहते थे कि हिंदी को इम्पोज ना किया जाए। अगर तमिलनाडु में कांग्रेस जीत जाती तो फिर हिंदी इम्पोज हो जाता, तो इसीलिए जो है तमिलनाडु के लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया, जिसके कारण से कांग्रेस को जो है 1967 के जनरल इलेक्शन में जो है असेंबली में, स्टेट असेंबली में हार का सामना करना पड़ा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग के चार पांच इलेक्शन में जो है सेंटर के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शन एक साथ होते थे, तो 1967 में स्टेट में कांग्रेस तो आ गई थी, लेकिन तमिलनाडु स्टेट में जो है वो हार गई थी और केरला में भी हार गई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इवेंचुअली पास द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 टू ट्राई एंड सेटिस्फाई द एजिटेशन बाय द गारंटिंग द वर्चुअल इनडिफिनाइट पॉलिसी ऑफ बाइलिंग्विज्म। इसके बाद जब कांग्रेस ने तमिलनाडु में हार देखा, तो उसके बाद इन्होंने एक प्रॉपर ऑफिशियल एक एक्ट लाए, एक्ट मतलब लॉ होता है 1967 में, और उन्होंने क्या बोला कि हम दो लैंग्वेज को क्या करेंगे, अलाउड करेंगे, बाइलिंग्विज्म होगा, सिर्फ एक ही लैंग्वेज की बात नहीं होगी। पहले हिंदी की ही बात हो रही थी पूरे इंडिया में, फिर बाद में यह बोला गया कि हिंदी के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इस तरीके से लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश जो है की गई। द न्यू प्रोविजन अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। और इस नए एक्ट में जो है स्टेट्स को क्या क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया कि जो स्टेट जो लैंग्वेज चूज करना चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकता है। जैसे अगर पंजाब में जो है पंजाबी बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो उन्होंने बोला कि आप पंजाबी को अपना स्टेट का जो है क्या कर सकते हो, स्टेट का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। ठीक है, अगर तमिलनाडु में जो तेलुगु बोला जाता है, तो स्टेट के सारे काम जो होंगे, चीफ मिनिस्टर के थ्रू जितने भी काम होंगे स्टेट लेवल के, वो सारे आप तमिल में जो है कर सकते हो। उसी तरीके से हरियाणा में जो है हरियाणवी या जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, आप अपने स्टेट में जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूज कर सकते हो स्टेट लेवल पर।
अ रीजनल लैंग्वेज कुड ऑल्सो बी यूज इन द ऑफिशियल वर्क अलॉन्ग विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अब आप इंग्लिश में अगर वर्क करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश के अलावा अगर आपको कोई जो है क्या करना है, अपने रीजनल लैंग्वेज में कोई ऑफिशियल वर्क करना है, तो आप ट्रांसलेशन करके भी जो है कर सकते हो। While English would continue to be the link language between the state government and the central government, like state में तो ये बोल दिया गया कि state के सारे काम अपने regional language से कर सकते हो, लेकिन central level पर जो भी काम होते थे उस समय वो English पर ही होते थे। state और central के बीच में कोई भी conversation करना हो, कोई भी चिट्ठी भेजना हो या कोई भी काम करना हो center और state के बीच में, तो वो English में ही होता था। state के सारे काम जो होते थे वो regional language पर जो है होते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, तमिलनाडु के लोगों का गुस्सा थोड़ा सा क्या हुआ, शांत हुआ, और जो प्रोटेस्ट जो हो रहे थे 1967 में, वो प्रोटेस्ट थोड़े से क्या हुए, कम हुए। ठीक है, तो सोच सकते हो कि लैंग्वेज जो होता है वो किस तरीके से या कितना बड़ा प्रोटेस्ट जो है करवा सकता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि इसी लैंग्वेज के कारण जो है 1956 में जो है 4-5 नए स्टेट्स बनाने पड़ गए। आंध्र प्रदेश जो है 1956 में या 1953 में लैंग्वेज पर बेस्ड जो है पहला स्टेट बना था, ये हम लोग भी अभी पिछले वीडियोस में देख चुके थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, Important developments in the Indian politics after 1967। अब जब 1967 में इतने सारे ड्रामा हो रहे थे, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 1967 के टाइम पे जो है इंडिया में किस तरीके का टेंशन वाला सिचुएशन हो गया था, पंजाब में, मेघालय में, इस तरीके से अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग चीजों की डिमांड हो रही थी। जैसे तेलंगाना का डिमांड हो रहा था, मेघालय का डिमांड हो रहा था, चंडीगढ़ को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये सब टेंस वाली सिचुएशन 1967 से 70s के आसपास में थी। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट जो है हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। उसमें फर्स्ट टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड द एबोलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स। अब देखो 1967 में जैसे इलेक्शन हुआ, उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी 1965 में, उसके बाद जनरल इलेक्शन में जो है प्राइम मिनिस्टर बन के आती है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब 1967 का इलेक्शन जीत कर आई, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया, बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन करना चालू कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन करना का मतलब क्या होता है, पहले जितने भी बैंक जो होते थे, जैसे आजकल आप देखते हो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये जितने भी जो बैंक जो होते थे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, तो उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता था कि बैंक जो चाहते थे किसी को भी अपने मर्जी से लोन दे देते थे, किसी से भी पैसा किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लेते थे, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जितने भी बैंक जो थे उनको जो है नेशनलाइज किया। नेशनलाइज किया मतलब अपने अंडर में लिया, एक तरीके से आप समझ लो गवर्नमेंट के अंडर में सारे बैंकों को जो है लिया गया, और यह काम इंदिरा गांधी ने किया। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम किया प्रीवी पर्स। देखो ये प्रीवी पर्स क्या है, आपको आगे भी समझाऊंगा मैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस समय पूरा का पूरा इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था। उस समय बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट थे। तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो है उस समय के जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, जहां आज भी नवाब या राजा जो होते थे वो कुछ क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, शासन करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के अलावा हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के अलावा जूनागढ़ हो गया, ये ऐसे स्टेट थे जहां पर जो है क्या था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं था। तो उनको जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, स्पेशली अगर एक नाम लिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था, तो उन्होंने क्या किया, सारे प्रिंसली स्टेट को बोला कि आप इंडिया में शामिल हो जाओ, और जब आप इंडिया में शामिल होंगे तो राजा को फायदा क्या होगा, अगर राजा बना रहता है स्टेट का तो उसके पास बहुत सारे पावर रहेगी। तो उन्होंने सारे राजाओं ने बोला कि वल्लभ भाई पटेल जी कि अगर हम आपके इंडिया में, मतलब इंडिया में अगर शामिल हो जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल ने यह बोला कि जितने भी प्रिंसली स्टेट जो राजा हैं, उन राजाओं को जो है क्या किया जाएगा, एक तरीके से सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, 1947 में ये प्रॉमिस किया गया, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, कोई भी हो, उनको ये बोला गया कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है सैलरी देंगे सारे राजाओं को। इसी को बोला जाता है प्रीवी पर्स।
तो जब इंदिरा गांधी जो है गवर्नमेंट में आई 1967 के इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने एक तो सारे बैंकों को अपने अंडर में ले लिया क्योंकि बैंक अपने मनमर्जी से काम करते थे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, प्रीवी पर जो राजाओं को उस समय जो है सैलरी दिया जाता था, उस सैलरी को जो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आज के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगा करके। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है उस समय जो है इंदिरा गांधी ने जो है किया था। अभी धीरे धीरे देखो एक मूवी की तरह सिचुएशन बनते जा रहा है। पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया, सारे बैंकों को कंट्रोल कर लिया, लोगों को गुस्सा आया थोड़ा सा, फिर राजा को जो पहले के जो किंग्स जो होते थे उनको सैलरी मिलती थी वो प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। अब इसके बाद देखो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होते जाएगा इंडिया में, एक तो ऐसी टेंशन वाला सिचुएशन ऑलरेडी बना हुआ है तेलंगाना को लेकर, मेघालय को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर, साथ में जो इंदिरा गांधी ने बैंकों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, राजाओं की सैलरी को छीन लिया। तो अब देखो इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन बनते जा रहा है, और इसी सिचुएशन के कारण फिर क्या होगा 1975 में जो है क्या होगा, इमरजेंसी लागू किया जाएगा, जो कि आज तक के इंडिया के हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट डिसीजन कहा जाता है, पॉलिटिकल डिसीजन, जो कि इंदिरा गांधी के टेन्योर में जो है अप्लाई किया गया था। तो आप बड़े ध्यान से समझना कि किस तरीके का सिचुएशन जो है क्रिएट होता जा रहा है। इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड इन द फर्स्ट 20 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट देयर वाज नो मार्क्ड रिडक्शन इन द पॉवर्टी लेवल एंड एग्रीकल्चर कंटिन्यूड टू बी नेग्लेक्टेड। अब देखो इंडिया ने जब 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया, और 1951 से लेकर 1970 के बीच में लगभग इस 20 सालों में जो है क्या किया, इंडिया ने 5-year plan लॉन्च किए, और इस 5-year plan के कारण काफी सारे इंडस्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश हो गई, और हमारे इंडिया में एक अच्छे खासे लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हो गया था। जैसे BSP हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला हो गया, यहां पर जो है सेकेंड 5-year plan के थ्रू जो है बहुत सारे इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिश हो गए थे। लेकिन फिर भी हमारे गरीबी का जो लेवल था, पॉवर्टी का जो लेवल था, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। लोग आज भी एग्रीकल्चर पर क्या होते थे, डिपेंडेंट होते थे। पीपल वर रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड। द कांग्रेस पार्टीज मास अपील एंड पॉपुलरिटी वॉज सेवरली डिनेटेड इन 1967 जनरल इलेक्शन। देयर वर डिसेंशंस विद इन द पार्टी एज वेल। अब देखो अब लोग जो होते थे वो क्या करते थे, गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय समझ सकते एक तरीके से उन लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल काम जो है नहीं कर रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द कांग्रेस पार्टीज मास अपील एंड द पॉपुलरिटी वॉज सीवरली डिनेटेड इन 1967 जनरल इलेक्शन। आपको हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 1967 का जनरल इलेक्शन जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन पहले जैसा उसका परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी को कोई छेड़ने वाला कोई नहीं था, मतलब उसके तरफ उंगली करने वाला कोई नहीं था, इतनी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन 1967 के जनरल इलेक्शन में इनकी पॉपुलैरिटी को क्या हुआ, बहुत ज्यादा धक्का लगा, और इसके कई सारे रीजंस थे जो कि वीडियोस में हम लोग देखते आए हैं। देर वर डिसेंशन विद इन द पार्टी एज वेल, और पार्टी के अंदर ही क्या हो गया, लोगों में डिस्प्यूट होना चालू हो गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस सम सिग्निफिकेंट प्रो पुअर एंटी रिच पॉलिसी चेंजेस टू स्ट्राइक कॉर्ड विद द पीपल एंड यूजर इन द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। और प्रेशर में आकर इंदिरा गांधी को अब ऐसा लॉ बनाना पड़ा जो गरीबों के फेवर में था और रईसों के अगेंस्ट में था, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट गुस्से में कन्वर्ट हो गया था। लोग हमेशा ये सोचते थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी वो हमेशा रईस लोगों के लिए ही अच्छा अच्छा काम करती है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती, ये लोगों के मेंटेलिटी में क्या हो गया था, ढल गया था। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो है कुछ लॉ जो है नए इंट्रोड्यूस किए। वन सच एंटी रिच पॉलिसी वॉज द एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। और इसी में एक जो इंपॉर्टेंट काम किया इंदिरा गांधी ने, जो कि उस समय के रईस लोगों को अगेंस्ट में था, वो है प्रीवी पर्स को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवी पर्स क्या था, जब इंडिया में प्रिंसली स्टेट को शामिल किया जा रहा था तो उस समय राजाओं से प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक फिक्स सैलरी जो है देंगे, उसको उन्होंने क्या किया, छीन लिया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बैंकों को जो है क्या किया, अपने अंडर में ले लिया, ताकि क्या किया जा सके, गरीब लोगों को लोन दिया जा सके। जब पहले बैंक इंडिपेंडेंट होते थे तो वो सबको लोन नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे, मान लो कोई एक गरीब आदमी गया जिसके पास 1 acre जमीन है, वो बैंक में गया और लोन लेने गया, तो बैंक उसको लोन नहीं देता था पहले, क्यों, क्योंकि इसके पास पैसा लौटाने की कैपेसिटी ही नहीं है। अगर बारिश नहीं हुआ मान लो और उसकी फसल खराब हो गई तो वो पैसा कहां से देगा, तो बैंक को इसको रिस्क लगता,
रहा था कि इस आदमी को पैसा देना सही नहीं है, तो पैसा नहीं मिलता था, लोग गुस्सा होते थे। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, सारे बैंकों को अपने अंडर में कर लिया और उन्होंने बोला कि जो भी आदमी चाहे कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, अगर वो बैंक आता है लोन लेने के लिए तो आप उसको लोन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो एक तो प्रीवी पर्स छीन लिया ताकि गरीब लोगों का सेंटिमेंट उसके इंदिरा गांधी की तरफ आ जाए, दूसरा बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए ताकि बैंकों के थ्रू लोगों को, किसानों को क्या मिल जाए, वहां पर किसानों को जो है लोन मिलना आसान हो जाए। ठीक है, और बहुत सारे जो है उस समय नए नए टाइप के सीड्स, सब्सिडी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो है ऐसे ऐसे काम किए, जिसके कारण से क्या हुआ, किसानों का जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत हुआ और इसी के कारण से क्या हुआ, हमारे इंडिया में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब आप हाई क्वालिटी के सीड्स या हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हो, जिसके कारण से आपका क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है, तो 1967 में यही काम इंदिरा गांधी ने किया था, जहां पर पंजाब और हरियाणा में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप किया गया, वहां पर ब्राजील, कनाडा ऐसे कंट्री से जो है नए नए सीड्स लाए गए, फर्टिलाइजर लाए गए, पेस्टिसाइड्स लाए गए, जिसके कारण से प्रोडक्शन क्या हुआ, काफी ज्यादा बढ़ गया। और उस समय जो पॉवर्टी थी, लोगों के पास फूड का जो शॉर्टेज हो रहा था, अब वो शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होने लगा, रिड्यूस होने लगा। तो एक तरीके से इंदिरा गांधी ने 1967 के इलेक्शन के पॉपुलरिटी जब खराब हुई तो उससे एक सबक लिया और सारे लोगों को अपने फेवर में फिर लाने के लिए, कांग्रेस की पॉपुलरिटी को फिर बढ़ाने के लिए जो है उसने क्या किया, एक मेहनत का काम जो है, बहुत अच्छा काम जो है किया। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से जो है स्प्लिट हो गया, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आपस में ही क्या हो गई, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखोगे तो पूरा सिनारियो को आपको याद रखना है कि क्या सिनारियो चल रहा है। किसानों को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी नए नए तरीकों से पेस्टिसाइड, उन लोगों को सब्सिडी वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह दे रही है, वहीं पर अमीर लोगों से क्या कर रही है, वो प्रीवी पर्स जैसे छीन रही है, बैंकों को अपने कंट्रोल में कर रही है। तो आप देखो एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता जा रहा है, पैनिक वाला सिचुएशन। तो जब आप अगले वीडियो को देखोगे तो पुराने सिचुएशंस को फील करते हुए आपको देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।